माननीय दुष्यंत चौटाला जी अपने दस से मुबारक से कर रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। टेंडरिंग बंद करो, खट्टर सरकार ने जो हमारी सरपंचों की मांगे छीनी है, हम ये गांव की जो मांगे हैं ये वो अपनी टेंडरिंग बंद करवाएंगे। पूरे हरियाणा सरपंच एसोसिएशन विरोध है, जो गांव में सरपंचों को दबाव में बनाया जा रहा है, ये तरह सही नहीं चलेगी। आप सरपंचों में अध्यक्ष हूँ, इससे क्या चाहिए? जो खट्टर सरकार की टेंडरिंग ला के ठेकेदारों से ट्रेड कमीशन देवेंद्र बबली जेजेपी और बीजेपी की मिली भक्त है और हम इस सरकार के खिलाफ, पूरे सरपंच एसोसिएशन खिलाफ है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती 2024 में पूरे हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन इसका विरोध करेगी और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लोगों के साथ और कौन-कौन है और कौन-कौन सी संस्था है? कौन-कौन सी हरियाणा सरकार सरकार की टेंडरिंग का तो कर दिया, पंचायत को कुछ अधिकार दे नहीं रही। ये वो छोटी सरकार बनाई है तो उसको अधिकार तो दो। 2 लाख रुपए तक का दे रही, बता क्या आप जानते हो ई टेंडरिंग क्या है? ई टेंडरिंग उसको दे रहे हैं, सारा ठेकेदार करेगा काम, ठेकेदार करेगा। सरपंच के हाथ में काम बताए जाए, जैसे गाँव के काम ऐसे काम दिए जाए हमारे सरपंचों को। हाँ जी, पूरा काम उनके साथ है, पूरे कोई देने चाहिए। हमारी खट्टर साहब से निवेदन है, आप लोगों के साथ कौन कौन है? सभी है, गाँव के लोग भी है, पंच भी है, सरपंच भी है, सभी है हमारे साथ। पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जहन को भी सकू मिल जाए शायद अदब की आज एक महफिल सजाएं, अंधेरा नफरतों का कम हो कुछ तो। रेलवे ओवर ब्रिज जो बनकर तैयार हो गया है उसको जनता के लिए लोकार्पण करने का काम हुआ। माननीय दुष्यंत चौटाला जी अपने दस्ते मुबारक से कर रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
कि आज एक बहुत बड़ी शख्सियत अगली पौड़ी पे भी आ जाओ। देखियो हेलो भाई साहब, राजू राजू बंद कराइए, माइक बंद करो, माइक बंद करवा दे। जी दुष्यंत जी, क्या कुछ प्रोग्राम था आज? मैं जाट हाई स्कूल सोसाइटी तमाम मेंबरान का, सोसाइटी के सभी सदस्यों का बधाई देता हूँ कि उनने दीन बंधु सर छोटू राम जी ने जिस शिक्षा के मंदिर की नींव 1939 में रखी थी, आज उसका ये स्वरूप तो बनाने का काम किया और उस स्वरूप के साथ साथ एजुकेशन के लेवल में प्रत्येक फील्ड में टॉपर्स पैदा करके हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एजुकेशन सोसाइटी इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी और आज मैंने भी इनसे आग्रह किया है कि यहाँ पर, यहाँ इनके पास लाइब्रेरी की व्यवस्था है, वहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस कोचिंग सेंटर जल्द से जल्द बनाया जाए, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो हमारे बच्चे रिटर्न तो क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू की क्योंकि भाषा में बड़ा अंतर है और अपने प्रदेश में तो कोस कोस पे भाषा बदलती है, तो इस कारण उस पॉलिशिंग के अंदर प्रोफेशनल लोग इनकी कोचिंग इस संस्था में कराएं, जिससे चाहे वो यूपीएससी हो, एचपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इंडियन रेलवेज हो, और उसके साथ साथ नीट जेईटी ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स आजकल शुरू है, इसके लिए भी हाई स्कूल के बच्चों को समय अनुसार एजुकेट और गेयरअप करें। दुष्यंत जी, आपके विभाग के तमाम जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो धरने पर हैं, एक डेढ़ महीना हो गया टेंडर नहीं बने, तो ऐसे में कैसे विकास होगा? डिजिटलाइजेशन के ज़माने में सबको अपनी सुविधा अच्छी लगती है। आज हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर 28 महकमों को हमने इंटरलिंक किया है और व्यवस्था को एक दिन में नहीं बदलाव की बनती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी काम धीरे धीरे सुचारू तौर से चलना शुरू हुआ है, महीने के अंदर जो थोड़ी बहुत ही कमियां पेशियां है उसको भी दुरुस्त करकर हम आगे ले जाने का काम। सर पूरे प्रदेश में सर सड़कों को लेकर बुरा हाल है, विधायक जी विरोध करते रहते हैं आपका। मैं मेरी डिस्क्रिप्शन